राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। बीना जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे एक नई रेसिपी। नई रेसिपी के लिए हमने ये रोटियां ली हैं हमने चार। ये सुबह की हैं, ये शाम हो गई है। और आप जो रेसिपी बनाऊंगी उस रेसिपी के लिए आप ताज़ी रोटी भी ले सकते हो। मैंने यहाँ सुबह की रोटी ली है। तो हमने गैस जला ली है, गैस पे कढ़ाई रख ली है एक छोटी। अब इसमें हम ये देसी घी डालेंगे कढ़ाई में। हमें इतने घी की ज़रूरत है, देसी घी की। जैसे ये देसी घी गर्म हो जाएगा वैसे ही एक एक करके हम इनमें रोटियां तलेंगे। ये तो रोटी को हम डाल देते हैं, ये गर्म हो गई। देखा, जैसे ही हमने रोटी इसमें डाली और फूल के गेंद की तरह हो गई है। हम दोनों तरफ से अल्ट पल्ट करके सेक लेंगे इसको। रोटी हमें ब्राउन चाहिए, एकदम करारी चाहिए, ज़्यादा ब्लैक नहीं रोटी होनी चाहिए। हम अलट पलट के रोटियों को सेक लेंगे इनको। तो रोटी का हम घी निचोड़ के निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हम दूसरी रोटी भी इसी तरीके से इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। हम इसे भी अलट पलट करके सेक लेंगे। तरीके से निकाल लेंगे। ये भी हमारी रोटी ब्राउन हो गई, सिक गई अच्छे से। इस प्लेट में ये रोटी भी निकाल ली हमने। हम ये भी डाल देते हैं। ये रोटी भी पलट देंगे। तो हमने ये तीसरी रोटी भी निकाल ली फ्राई करके। अब ये भी डाल देते हैं हम। तो रोटियां हमने सारी तल ली हैं घी में। अब हमें टिश्यू पेपर से कढ़ाई को साफ कर लिया। अब इसमें हम ये आधा बाउल हमने चीनी लिया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चीनी में हम पानी ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चीनी हमने हाई गैस पे मेल्ट होने देना है। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो अपने आप ही ब्राउन हो जाएगी। चलो चीनी इधर मेल्ट हो रही है। तो ये चारों रोटियां देखो कितनी करारी हो गई हैं। हमें इस तरीके से ही रोटियां चाहिए। ये देखो, तो रोटियां हमने ये देखो इस तरीके से रोटियां हमने ये तोड़नी है इस तरीके से। ये देख, आवाज़ आ रही होगी आपको, रोटियां कितनी करारी हो गई हैं। ये देखो, तो हम सारी रोटियां ये देखो इस तरीके से सारी रोटियां तोड़ लेंगे हम। और इसको बारीक बारीक और कर लेंगे। देखो
तो इस रोटी को हम एक मिक्सर जार में भर लेते हैं। इस तरीके से हम सारी रोटी भर लेंगे ये, और ग्राइंड कर लेंगे इस रोटी को। तो ये किसका हम पाउडर बनाते हैं अभी। और इधर हम गैस पे चीनी मेल्ट हो रही है उसको भी देखते जा रहे हैं हाथ के हाथ। तो हमने रोटी का यहाँ पाउडर बना लिया है मिक्सी जार में, ये हमें इस तरीके से चाहिए, इतना ही मोटा ये। इधर ये चीनी भी मेल्ट हो गई है, कितने अच्छे से हो गया, देखो ब्राउन कलर हो गया, यही कलर हमें चाहिए। तो हमने ये दो कटोरी ले ली है, एक में इलायची पाउडर ले लिया है और एक में ये केसर ले लिया है। तो इस चीनी में ही हम दोनों डाल देंगे इस तरीके से, ये केसर भी डाल देंगे। अब ये हमने जो पाउडर बनाया था इसे भी हम डाल देते हैं इसमें। इस तरीके से हम सारा मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर हमने एक गिलास भर के दूध ले लिया है मलाई वाला, इसको हम डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छे से चलाएंगे। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे इसको। तो गैस का फ्लेम हम कम करके रखेंगे और इसको लगातार लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये पेस्ट जलने ना पाए। तो हमने यहाँ पर ये मिल्क पाउडर ले लिया है आधी कटोरी, ये भी ऐड कर देते हैं हम। इसको अच्छे से हम चला लेंगे, सारा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बना रहे हैं हम मिल्क केक। अगर आपके पास इस तरीके से रोटियां बच जाती हैं तो ऐसे बना सकते हैं। ये थोड़ी सी चीनी ली है, ये चीनी बहुत ज़रूरी है ऊपर से इस तरीके से डालना है। ये अब लग रहा है ना चीनी डाल के कि मिल्क पाउडर का केक बनना है। लग रहा है ना चीनी डाल के मिल्क केक बनना है। इसको इस तरीके से हम अच्छे से और चला लेंगे। तो ये मिश्रण हमारा ठंडा हो गया। अब इसके लिए हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जो बच्चों के हम लंच बॉक्स ले सकते हैं। तो हम टिफिन को ग्रीस कर लेते हैं देसी घी से इस तरीके से, क्योंकि मिल्क केक की हमें ऐसी शेप चाहिए, ऐसी तो होती है सेम। तो इस तरीके से हम सारा डो इसके अंदर रख देंगे। तो इस डो को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं और आधे घंटे के बाद देखेंगे फिर जमा है नहीं जमा हमारा केक, ये मिल्क केक। और इसको ज़्यादा जल्दी है तो फ्रिज में रख दें, नहीं तो आधे घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दें, बहुत अच्छे से जम जाएगा ये। तो ये मिल्क केक जम गया है, अब इसकी हम निकाल लेते हैं इसको, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये।
तो केक निकल आया अच्छे से, मिले केक, ये दे, ये दानेदार। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए हमने ये एक चाकू लिया है बड़ा, इसकी इस तरीके से हम ये कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये मिले केक सारा काट लिया है अच्छे से। अब इसको डेकोरेशन कर देते हैं इसकी। तो हमने ये पिस्ता ले लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इससे हम डेकोरेशन कर देते हैं काजू से, पिस्ता से, सॉरी, इस तरीके से। ये मिल्क केक बनके तैयार हो गया है, हमने ये रोटी से बनाया है। आप भी इस तरीके से अगर रोटियां बच जाएं, अगर नहीं बचें तो ताजी भी ले सकते हैं। तो ये मिल्क केक मिनटों में तैयार हो जाता है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती सामान की, जो घर में सामान होता है उसी से बना सकते हैं। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, और बताना हम कौन सी आपके लिए वीडियो लेके आए, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मिल्क केक हमारा रोटी का कैसे लगा देखो। ये देख, ये दानेदार, ये टूट रहा है, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मिल्क केक है देखो, हलवाई जैसा।